अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 13 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, शो दैट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। आपने इस बात को प्रूफ करना है कि ये पॉइंट इस सर्किल का सेंटर है, उस सर्किल का सेंटर है जिस जो सर्किल इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मीन्स उसके वर्टिसेस से पास हो रहा है, उस ट्राइंगल को घेरे हुए है, महासरा किया हुआ है। तो आपने इस पॉइंट को प्रूव करना है कि ये इस सर्किल का सेंटर है। अगर ये वाकई सर्किल का सेंटर है तो अगर आपको रेडियस की डेफिनेशन याद हो तो सेंटर से लेके सर्किल पे मौजूद किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम रहता है। मतलब इस पॉइंट से, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ डिस्टेंस तो ये आप सेंटर, ये पॉइंट सेंटर का होगा, ये बात प्रूफ हो जाएगी। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल पर भी मौजूद हैं और सर्किल पर भी मौजूद हैं, क्योंकि सर्किल इन ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। तो अब हम इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ गए इट मीन्स ये पॉइंट सेंटर है, अदरवाइज ये सेंटर नहीं है। सो लेट ओ माइनस वन ओवर टू फाइव ओवर टू बी द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो हमें एक पॉइंट गिवन है, बी द गिवन पॉइंट ए 0.1, बी 1.2 एंड सी -2.3 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच सर्कमस्क्राइब बाय द सर्कमस्क्राइब बाय सर्किल। ये उस ये पॉइंट जो हमने सेंटर प्रूफ करना है उसको हमने ओलेट कर लिया। ए बी और सी जो है वर्टिसेस हो जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी के, विच सर्कमस्क्राइब बाय सर्किल, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जिसको सर्किल ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। इस पॉइंट को हमने ओ कहा, इस पॉइंट को हमने ए बी सी। नाउ डिस्टेंस फाइंड करने तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। डी इक्वल्स टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे ओ से लेकर ए का, ओ टिल ए। पहला पॉइंट ओ है, इट मींस ओ के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन। सेकेंड पॉइंट ए है तो ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू। सो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू इज जीरो माइनस फॉर्मूले का, एक्स वन इज माइनस वन ओवर टू, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। y2 इज वन माइनस फॉर्मूले का, देन 5/2 का स्क्वायर, 0 प्लस 1/2, 0 निगलेक्ट, 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर जब 1 पर आएगा तो 1, स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4, प्लस जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 आकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये डिनोमिनेटर्स आपस में 1/4 एज इट इज, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 3/2 का स्क्वायर। नाउ अब हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 1/4 एज इट इज प्लस माइनस 3 पे जब स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जब कोई भी इवन पावर माइनस पे आती है तो माइनस निगलेक्ट हो जाता है, 3 पे आएगा तो वो 9 हो जाएगा, 2 पे आएगा तो 4, इट मींस 9/4। और जब आप इसका एलसीएम लोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 5/2 यूनिट्स। तो इसका एलसीएम लोगे कैलकुलेटर से 1/4 प्लस 9/4 तो आपके पास आंसर आएगा 5/2, रूट 5/2 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ओ से लेकर बी तक का, देन ओ से लेकर सी तक का। ओ टिल बी
फर्स्ट पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वन वाई वन। बी सेकेंड पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स टू वाई टू। सो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू इज वन माइनस फॉर्मूले का, देन एक्स वन इटसेल्फ नेगेटिव है सो वो इसको पॉजिटिव कर देगा, प्लस वाई टू इज टू माइनस माइनस फॉर्मूले का, देन वाई वन इज फाइव अपॉन टू का स्क्वायर। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, जब आप इसका कैलकुलेटर एलसीएम लोगे थ्री अपॉन टू आ जाएगा, प्लस इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन टू का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, प्लस वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। अगेन जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव अपॉन टू यूनिट्स। ओ से बी का डिस्टेंस ये आ गया। ना ओ से लेकर ए का डिस्टेंस भी आ गया, ओ से लेकर बी का, अब ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस। सो ओ फर्स्ट पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू। सो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू इज माइनस टू माइनस फॉर्मूले का, देन एक्स वन इटसेल्फ नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। इसके जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, प्लस टू टाइम्स थ्री सिक्स माइनस फाइव, वन अपॉन टू का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव अपॉन टू यूनिट्स। ये डिस्टेंस आ गया ओ से लेकर सी तक। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ओ से लेके ए, ओ से लेके बी और ओ से लेके सी तमाम डिस्टेंस सेम है, ये इस पॉइंट से तीनों डिस्टेंस सेम है। इट मीन्स ये सेंटर सर्किल का सेंटर है, ये बात प्रूव हो गई। तो आपने यहां पे स्टेटमेंट देनी है सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, देयरफॉर ओ माइनस वन अपॉन टू फाइव अपॉन टू इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। प्रूफ, ये हमने सिंपल से ये सेंटर इसको हमने प्रूफ करना था। तो आपको मैं सर्किल की डेफिनेशन रिवाइज करा दूं कि सर्किल एक ऐसी शेप होती है जिसका किसी फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स तक डिस्टेंस सेम होता है, जिसका फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो सेंटर है, फिक्स पॉइंट से लेकर तमाम पॉइंट्स तक का डिस्टेंस, आप सर्किल पर मौजूद कोई भी एक पॉइंट ले लो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। सिमिलरली यही कुछ क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया आपसे, आपने इस बात को प्रूफ करना है कि शो दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन, सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर एज ओरिजन। आपने इस बात को प्रूफ करना है कि एक सर्किल बन सकता है विथ सेंटर एज ओरिजन, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजन पे, ओरिजन मीन्स जीरो जीरो, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होते हैं, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने इस बात को प्रूव करना है कि सेंटर अगर ओरिजन पर है तो इन चारों पॉइंट्स को यूज करके एक सर्किल बनाया जा सकता है, एक सर्किल बनाया जा सकता है। सेंटर क्या होगा, ओरिजन, बाकी ये चारों पॉइंट से इस सेंटर को रखकर बाकी चारों पॉइंट से सर्किल को ड्रॉ किया जा सकता है। इस बात को आपने प्रूफ करना है। आप किस तरह से प्रूफ करोगे, आपने सिंपल इसी तरह से सेंटर को नाम दे देना है ओ, बाकी तमाम पॉइंट्स को ए बी सी डी, देन इस सेंटर से लेकर, लेट सपोज आपने ओ दे दिया ए बी सी डी, अब आपने सेंटर से लेकर इन चारों पॉइंट्स तक का डिस्टेंस निकाला, अगर चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आ गया इट मींस सर्किल बन सकता है, अदरवाइज सर्किल नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये चार वर्टिसेस गिवन है और आपसे कहा गया आप इस बात को प्रूफ करो कि चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं, चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम के। अब इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसी फोर साइडेड शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर होती है।
एक एक कट लगाने का मतलब ये दोनों साइड्स लेंथ में बराबर होंगी और ये ऑपोजिट साइड्स भी लेंथ में बराबर होंगी। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं बट इसके डायगनल्स बराबर नहीं होते, इसके डायगनल्स लेंथ में बराबर नहीं होते। इसके डायगनल्स की लेंथ बराबर नहीं होती। आप देख रहे हो मैंने इस पे वन वन कट लगाया, एक एक कट लगाया, इट मीन्स ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं। इस पे दो दो कट लगाए, इट मीन्स ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं। इस पे मैंने एक डायगनल पे तीन कट लगाए और एक पे चार लगाए, इट मीन्स ये दोनों लेंथ में बराबर नहीं होंगे। तो आपने सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले को सिक्स टाइम्स यूज करना है। पहले आप डिस्टेंस निकालोगे इस साइड का इन दो पॉइंट्स को यूज करके। किस तरह निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, हम कल बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। और फिर आप इस साइड का डिस्टेंस निकालोगे, फिर इस साइड का डिस्टेंस निकालोगे, देन इस साइड का डिस्टेंस, देन डायगनल्स का डिस्टेंस। तो सिक्स टाइम्स आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, देन आप ये चेक करोगे कि कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं। ए बी साइड की लेंथ सी डी साइड की लेंथ के बराबर होगी, ए डी साइड की लेंथ बी सी साइड की लेंथ के बराबर होगी, और ए सी की लेंथ बराबर नहीं होगी बी डी की लेंथ। जरूरी है ये बराबर ना आए, अगर ये भी बराबर आ गई तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये जरूरी है कि ये दोनों बराबर ना आए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया, आप इस चार वर्टिसेस आपको गिवन है और आपने इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। आपने क्या प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अगेन आप सिंपल आपने इनको पहले नाम दे देना, ए बी सी डी, देन आपने इस साइड की लेंथ निकालनी, इस साइड की लेंथ निकालनी, इस साइड की लेंथ निकालनी, चारों साइड्स की लेंथ निकालने के बाद डायगनल्स की भी लेंथ निकालनी। और जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो ये कि इसकी चारों साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं, इसकी चारों साइड्स लेंथ में बराबर होंगी और इसके डायगनल्स भी बराबर होंगे, डायगनल्स भी आपस में बराबर होंगे। सो आपने इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Thank you.